Dear students, assalamu alaikum. COVID-19 के चलते, जो कोरोना वायरस के चलते आप लोगों को या सभी को घर पे स्टे करने के लिए कहा गया है, क्योंकि आपका एकेडमिक सेशन लॉस ना हो, इसलिए हमने कोशिश किया है कि कुछ लेक्चर्स आपको ऑनलाइन डिलीवर किया जाए, ताकि आप घर पे जो मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं उसका सही इस्तेमाल हो और आपका सिलेबस का कुछ पोर्शन भी कवर अप हो जाए उसमें, ताकि जो जब आप रेगुलर क्लासेस अटेंड करेंगे तो आपका सिलेबस का कुछ पोर्शन कवर हो गया हो, इसलिए आपको आसानी हो जाएगी, आपको टाइमली कंप्लीशन ऑफ सिलेबस में बहुत ज्यादा आसानी होगी, इसलिए हम डिफरेंट सब्जेक्ट्स में लेक्चर्स करने जा रहे हैं. सब जो मेरा सब्जेक्ट है वो एनवायरमेंटल साइंस है, तो उसमें आपको चार यूनिट्स हैं, चार क्रेडिट्स आप कह सकते हैं. चार क्रेडिट्स में आपको दो क्रेडिट फर्स्ट सेमेस्टर में स्टडी करना है और दो क्रेडिट आपको सेकंड सेमेस्टर में स्टडी करना है, और फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर दोनों का कलेक्टिवली यानी चार क्रेडिट्स का एग्जाम आपका आफ्टर द कम्प्लीशन ऑफ सेकंड यूनिट होगा. उसमें सबसे जो पहला यूनिट है आपका फर्स्ट यूनिट, जिसमें आपका टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग एनवायरमेंट, कि एनवायरमेंट क्या है, किसे कहते हैं एनवायरमेंट, अंडरस्टैंडिंग करना है उसको. उसमें क्या है, सबसे पहले कॉन्सेप्ट ऑफ एनवायरमेंट एंड इंपॉर्टेंस ऑफ एनवायरमेंट. एनवायरमेंट की अगर हम बात करते हैं, अगर हम डिफाइन करेंगे एनवायरमेंट को, इट इज द समेशन ऑफ टोटल ऑफ ऑल बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट सराउंडिंग ईच अदर, द कंडीशंस प्रिवाइलिंग इन एनी टू एनी इंडिविजुअल. भाई इंडिविजुअल क्या हो सकता है, आपका इंडिविजुअल को सराउंड कर रहा है, इंडिविजुअल को सराउंड कर रहा है. इंडिविजुअल क्या हो सकता है भाई, इंडिविजुअल आपका एक प्लांट हो सकता है, इंडिविजुअल आपका एक एनिमल हो सकता है, इंडिविजुअल आपका एक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो सकता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकता है इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग. इसका मतलब है कुछ चीज आपको सराउंड कर रहा है, किसको सराउंड कर रहा है भाई, किसी भी इंडिविजुअल को. इंडिविजुअल क्या है, एक प्लांट को सराउंड कर रहा है, एक एनिमल को सराउंड कर रहा है, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को सराउंड कर रहा है. अब जो चीजें सराउंड कर रहा है वो या तो बायोटिक हो सकती है या तो अबायोटिक हो सकती है. भाई बायोटिक में क्या है, अगेन मैं बात करता हूं प्लांट्स एनिमल माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, इन सबको कलेक्टिवली एक नाम देते हैं जिसको आप कहते हैं बायोटिक कंपोनेंट्स. एग्जैक्टली एक और कंपोनेंट जिसको आप अबायोटिक कंपोनेंट कहते हैं, उसमें आपका कौन कौन से पोर्शन आपके इंक्लूड हो जाते हैं, उसमें अबायोटिक कंपोनेंट की अगर हम बात करते हैं, उसमें हम इंक्लूड करते हैं आपका तीन चार चीज. फॉर एग्जाम्पल मैं बताऊं आपको अबायोटिक कंपोनेंट में, अबायोटिक कंपोनेंट में आपका एटमोस्फेरिक कंपोनेंट इंक्लूड होता है, एटमोस्फेरिक कंपोनेंट जिसमें आपका हाइड्रोस्फेरिक कंपोनेंट इंक्लूड होता है, और लिथोस्फेरिक कंपोनेंट, क्योंकि ये तीनों चीजें लाइफलेस है इसलिए हमने इसको कलेक्टिवली रखा, कैटेगराइज किया गया है अबायोटिक कंपोनेंट्स में. तो अब इंडिविजुअल की हमने बात की, प्लांट्स को लेकर, एनिमल्स को लेकर या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को लेकर. अगर एक प्लांट के अराउंड, एक एनिमल के अराउंड, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अराउंड, इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग के अराउंड अगर कंपोनेंट्स सराउंड कर रहे हैं जिसमें आपके बायोटिक कंपोनेंट हो सकते हैं या अबायोटिक कंपोनेंट जो हमने चीजें मेंशन की, और उस इंडिविजुअल की, इंडिविजुअल में भी प्लांट में भी एनिमल में भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उस इंडिविजुअल की एक्टिविटी पे इन्फ्लुएंस करते हैं, इफेक्ट करते हैं, उसको गवर्न करते हैं, तो उन सारे कलेक्टिवली जो कंडीशंस होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, उसे हम एनवायरमेंट कहते हैं. क्यों एनवायरमेंट कहते हैं, क्योंकि आपके प्लांट्स के अराउंड, आपके एनिमल्स के अराउंड, आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अराउंड वो क्या कर रहे हैं, एनसर्कल कर रहे हैं, और एनसर्कल करने के बाद आपके प्लांट की, आपके एनिमल की, आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एक्टिविटी पे इन्फ्लुएंस करते हैं, इसलिए हमने कहा उसे एनवायरमेंट. ये आपका कॉन्सेप्ट ऑफ एनवायरमेंट. सिर्फ फॉर एग्जांपल हम अगर एग्जांपल लेते हैं कुछ हाइड्रोफाइट्स की अगर हम बात करते हैं,
तो पानी में प्लांट्स होते हैं हाइड्रोफाइट्स, मोस्ट ऑफ द टाइम्स देखा गया है। एक प्लांट का एग्जांपल अगर हम लेंगे नीलंबो न्यूसिफेरा, आप लोगों ने सुना होगा, उनके लीव्स का अगर हम शेप देखेंगे तो बहुत बड़े बड़े शेप्स होते हैं, हम इनको हाइड्रोफाइट कहते हैं, हाइड्रोफाइट जो पानी में होते हैं। एग्जैक्टली इसके अपोजिट साइड में देखेंगे हम लोग कुछ जीरोफाइट्स की अगर बात करते हैं, जीरोफाइट की, जीरोफाइट फॉर एग्जांपल कैक्टस के प्लांट आप लोग देखते हैं, क्योंकि भाई जो आपके हाइड्रोफाइट्स है उनके लीफ का सरफेस बहुत बड़ा है। इन कंपैरिजन कंट्रास्टिंगली अगर हम जीरोफाइट्स की बात करते हैं, उनके लीव्स का जो साइज होता है वो बहुत नीडल शेप्ड होता है, बहुत छोटा होता है, क्योंकि जो हाइड्रोफाइट्स होते हैं वो ऐसे कंडीशन में, एक्सटर्नल कंडीशंस की हम बात कर रहे हैं, ऐसे कंडीशन में सर्वाइव करते हैं जहां पे अबंडेंट क्वांटिटी ऑफ वाटर अवेलेबल है। कंट्रास्टिंगली अगर जीरोफाइट की अगर हम बात करते हैं तो उनके लीव्स नीडल शेप्ड है, तो वो किस कंडीशन में सर्वाइव करते हैं, बाहर का कंडीशन उनका कैसा है, स्केंटी वाटर अवेलेबिलिटी, कहने का मतलब लेस वाटर अवेलेबल रहता है, इसलिए क्योंकि ट्रांसपायरेशन के दौरान आपके वाटर लॉस हो जाते हैं आपके प्लांट के लीव सरफेस से, इसलिए अगर कैक्टस वाले प्लांट या जीरोफाइट प्लांट्स के लीफ अगर बड़े होंगे तो जाहिर सी बात है वाटर बहुत ज्यादा लॉस होगा। इन कंपैरिजन टू दिस अगर आपके हाइड्रोफाइट्स का वाटर जो लीफ का शेप है या साइज है वो अगर बहुत ज्यादा छोटे होंगे तो जाहिर सी बात है वाटर उनके अंदर ही एक्यूमुलेट हो जाएगा, क्योंकि वाटर आपका लॉस होना होता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपायरेशन। जो भी वाटर कंज्यूम होता है उसका 2-10% ही आपके प्लांट्स की डिफरेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के लिए इस्तेमाल होता है, रेस्ट ऑफ द वाटर इज बीइंग लॉस ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपायरेशन। अकॉर्डिंगली कौन सा प्लांट किस वाटर वाले कंडीशन में सर्वाइव कर रहा है, अकॉर्डिंगली उसके लीफ का साइज भी डिटरमाइन किया गया है। इसी तरह बर्ड्स का या फिश का अगर हम देखेंगे तो उनका जो फ्रंट पोर्शन है, इंटीरियर पोर्शन जिसे आप कहते हैं, इंटीरियर पोर्शन, उनका इंटीरियर पोर्शन अगर हम देखते हैं तो वो टैपरिंग होता है, टैपरिंग, टैपरिंग इन द सेंस आगे से पॉइंटेड, आगे से ऐसे पॉइंटेड होते हैं, फिश को देखो या बर्ड को देखो, क्योंकि दे आर सपोज टू मूव आइदर इन द एरियल कंडीशन और इन द वाटर कंडीशन। अगर उनके इंटीरियर पोर्शन अगर ऐसे ब्लंट होंगे तो जाहिर सी बात है इनको मूवमेंट करने में बहुत ज्यादा दिक्कत होगा, चाहे आप फिश की बात करते हैं, चाहे आप एरियली जो बर्ड से उनकी अगर बात करते हैं, तो नेचुरली जो जिस कंडीशन में सर्वाइव करते हैं, जो जिस कंडीशन में एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, अकॉर्डिंगली जो आपका नेचर है, जो आपके कंडीशंस वहां पे प्रिवेल कर रहे हैं, उसी हिसाब से गवर्न किया जाता है उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल को, उस पर्टिकुलर एनिमल को, उस पर्टिकुलर प्लांट को, उस पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, इसलिए चूंकि उनको उस कंडीशन में सर्वाइव करना है। तो मतलब इसका है कि बाहर के जो भी एक्सटर्नल कंडीशंस, चाहे वो आपका एटमॉस्फेरिक कंपोनेंट हो, चाहे आपको लिथोस्फेरिक कंपोनेंट हो, चाहे आपका एटमॉस्फेरिक कंपोनेंट हो, वो आपके किसी प्लांट की, किसी एनिमल की, किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एक्टिविटी पे इन्फ्लुएंस करते हैं, इफेक्ट करते हैं, और उन सबको कलेक्टिवली हम क्या कहते हैं, एनवायरमेंट कहते हैं। एक और एग्जाम्पल हम ले सकते हैं इसमें, अगर हम कंपैरिजन करेंगे भाई, जो लोग रिजाइड करते हैं हिली एरियास में और जो लोग सर्वाइव करते हैं प्लेन एरियास में, स्टडीज के दौरान देखा गया है जो हिली एरियास में लोग होते हैं उनके जो हिंड लिम्स होते हैं, हिंड लिम्स के जो मसल्स होते हैं, मसल्स काफी स्ट्रांग होते हैं, बिकॉज दे आर सपोज टू मूव अप्स एंड डाउन्स इन द माउंटेन्स, इन द हिल्स,
एंड इन कंपैरिजन टू जो प्लेन एरिया में रहते हैं उनके जो प्लेन एरिया में भी अगर मैं बात करूं फोर लिम्स उनके जो मोस्ट ऑफ द टाइम्स बोटिंग करते हैं क्योंकि वो लोकोमोशन के लिए वो मूवमेंट करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं वो बोर्ड का इस्तेमाल करते हैं। तो बोर्ड को आपके अब अपने हाथों से चलाते हैं इसलिए क्योंकि आप बार बार इस्तेमाल करते हैं आपके फोर लिम्स का आपके हाथों के मसल्स का इसलिए आपके जो फोर लिम्स के मसल्स होते हैं जो बोटिंग करते हैं उनके फोर लिम्स के मसल काफी स्ट्रॉन्ग होते हैं एज कंपेयर टू द पीपुल लिविंग इन द हिली एरियाज वेयर द पीपुल जनरली यूज देयर हिंड लिम्स टू मूव अप्स एंड डाउन्स इन द हिल्स। तो भाई फोर लिम्स के अगर मसल स्ट्रांग है हिंड लिम के अगर मसल स्ट्रांग है आपके तो क्या चीज इन्फ्लुएंस कर रहा है कि आप कंटिन्यूअसली अब आपने फोर लिम्स का इस्तेमाल करें भाई क्या चीज आपको इन्फ्लुएंस कर रहा है हिली एरियाज में अब आपने हिंड लिम्स का बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि आपका एक्सटर्नल कंडीशंस आपका टोपोग्राफी आपका लैंडस्केप ऐसा है कि आपको क्या किया जाए कि भाई आपको हिंड लिम्स का ज्यादा इस्तेमाल किया जाए। और आप अगर बोटिंग कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है आप पानी में चल तो नहीं सकते बोर्ड का इस्तेमाल करेंगे तो बोर्ड को हम किस तरह इस्तेमाल करते हैं भाई फोर लिम्स के जरिए इस्तेमाल करते हैं। तो जाहिर सी बात है अगर फोर लिम्स का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो कौन हमें इन्फ्लुएंस कर रहा है कौन गवर्न कर रहा है एक्सटर्नल कंडीशंस वो वाटर वाला कंडीशन वहां पर है तो वो हमें इन्फ्लुएंस कर रहा है। यू आर सपोज टू यूज यूर फोर लिम्स इंस्टेड ऑफ योर हिंड लिम्स एंड इन कंट्रास्टिंगली द पीपुल लिविंग इन द हिली एरियाज सपोज टू यूज मोस्ट ऑफ द टाइम देयर हिंड लिम्स because of continuous use either the four limbs or the hind limbs accordingly आपके बाहर के conditions जो आपके environment के conditions है वो आपको enforce करते हैं वो आपको influence करते हैं वो आपको govern करते हैं कि आप four limbs का इस्तेमाल करें या hind limbs का इस्तेमाल करें इसलिए आपके four limbs के muscles ज्यादा strong है या hind limbs के muscles strong है वो आप किस environment में किस condition में survive करते हैं। तो उन सब का collectively कॉन्सेप्ट अगर देखा जाए तो हमने कहा जो भी कंडीशंस आपके किसी इंडिविजुअल की यहां इंडिविजुअल की बात करते हैं तो हम एनिमल की बात करते हैं इसी तरह बर्ड्स का मैंने एग्जांपल लिया आप लोगों को फिश का मैंने एग्जांपल लिया आपके हाइड्रोफाइट्स का एग्जांपल लिया आपके जीरोफाइट्स का हमने एग्जांपल ले लिया भाई जीरोफाइट के लिए छोटे है तो क्यों है हाइड्रोफाइट्स के लिए कंपेरेटिवली बहुत ज्यादा बड़े हैं तो क्यों है आपके फोर लिम्स के मसल स्ट्रांग है तो क्यों है हिंड लिम्स के मसल अगर स्ट्रांग है तो क्यों है क्योंकि आपका एक्सटर्नल एनवायरमेंट या सिचुएशन ऐसा है कि आपको या तो हिंड लिम या तो फोर लिम या तो अगेंस्ट द विंड आपको ट्रेवल करना है तो टेपरिंग है आपका जो इंटीरियर पोर्शन बर्ड्स का एप्स का या तो आपके फिश की बात करते हैं तो आपका इंटीरियर पोर्शन अगेंस्ट द फ्लो ऑफ द वाटर मूवमेंट करना होता है इसलिए आपके जो फ्रंट इंटीरियर पोर्शन है वो कंपैरेटिवली क्या है टेपरिंग बनाया गया ताकि आपको ईज ऑफ मूवमेंट हो चलने में प्रॉब्लम ना हो आपके बर्ड्स को आपके फिश वगैरह को। तो कहने का मतलब यह है कि आपके एक्सटर्नल कंडीशंस जो किसी इंडिविजुअल को आपके प्लांट को आपके बर्ड्स को एनिमल्स को सराउंड कर रहे हैं और उसकी एक्टिविटी पे इन्फ्लुएंस करते हैं उसको हम कलेक्टिवली एनवायरमेंट कहते हैं। तो वैसे कह सकते हैं द समेशन ऑफ ऑल कंडीशंस सराउंडिंग एन इंडिविजुअल मैंने पहले कहा इट मे बी ए प्लांट इट मे बी एन एनिमल इट मे बी ए माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग समेशन ऑफ ऑल कंडीशंस बी इट बायोटिक और अबायोटिक सराउंडिंग एन इंडिविजुअल एंड इन्फ्लुएंसेस द एक्टिविटी ऑफ दैट इंडिविजुअल इज नोन एज एनवायरमेंट। ये था आपके एनवायरमेंट का कॉन्सेप्ट। अब आपका है एनवायरमेंटल साइंस। भाई क्या है एनवायरमेंटल साइंस? एनवायरमेंटल साइंस की अगर हम बात करते हैं इसे हम कहते हैं एक मल्टीडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है। एनवायरमेंटल साइंस या एनवायरमेंटल स्टडीज की बात करते हैं इट्स ए मल्टी डिसिप्लिनरी या इंटर डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है। मल्टी डिसिप्लिनरी की बात करते हैं तो भाई इसमें बहुत सारे डिसिप्लिन है बहुत सारे सब्जेक्ट्स को आपने स्टडी करना होता है। भाई क्यों है मल्टी डिसिप्लिनरी
मल्टीडिसिप्लिनरी का मतलब है सब्जेक्ट्स बहुत सारे, फॉर एग्जांपल आपको भाई इसमें फिजिक्स का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट, इसमें आपको भाई केमिस्ट्री का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट, इसमें आप जियोग्राफी के बारे में स्टडी करते हैं भाई, इसमें आप बॉटनी, इसमें आप जूलॉजी, इसमें आप माइक्रोबायोलॉजी, इसमें बायोटेक्नोलॉजी, इसमें आपका बायो इन्फॉर्मेटिक्स, इसमें आपका कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर साइंस, इसमें आपका लॉस, एनवायरमेंटल लॉस, इसमें आपके बारे में इकोनॉमिक्स। कहने का मतलब है जब भी आप एनवायरमेंटल स्टडीज या एनवायरमेंटल साइंस की बात करते हैं तो इसका मतलब है यू आर सपोज टू टच और यू आर सपोज टू गो थ्रू द कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, व्हाट आर द सब्जेक्ट्स मेंशन जो मैंने किए हैं यहाँ पर, उन सारे सब्जेक्ट्स के बारे में आप लोगों ने स्टडी करना है भाई, क्या चीजें स्टडी करना है और क्यों करना है। देखिए अगर हम बात करते हैं एनवायरमेंट के लाइट को लेकर, क्योंकि लाइट का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हमारे एनवायरमेंट में रहता है एबायोटिक कंपोनेंट्स में, तो भाई फिजिक्स हमारे लॉस, हमारे लाइट के बारे में स्टडी करता है तो जाहिर सी बात है हमें इन्फॉर्मेशन थोड़ा सा कॉन्सेप्ट फिजिक्स के बारे में होना चाहिए। सारे केमिकल्स के बारे में स्टडी करना होता है हमें भाई, एनवायरमेंट में कौन से हमारे पास एनवायरमेंट एग्जिस्ट कर रहे हैं, किस केमिकल का क्या इफेक्ट है, उन सारी चीजों के बारे में स्टडी करने के लिए आपको बेसिक नॉलेज ऑफ थोड़ा सा केमिस्ट्री होना चाहिए। उसके बाद आप जियोग्राफी की बात करते हैं या जियोलॉजी की बात करते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है लिथोस्फेरिक कंपोनेंट वाले पोर्शन को एक्सटेंसिवली स्टडी करते हैं, जियोलॉजी या जियोग्राफी की बात करते हैं तो हमें भी थोड़ा सा यहाँ पे इन्फॉर्मेशन हमारे पास होना चाहिए जियोलॉजी का या जियोग्राफी का, लैंडस्केप के बारे में, मिनरल कंपोनेंट्स के बारे में। इसी तरह आपका बॉटनी है, आपको प्लांट के बारे में स्टडी करना है तो प्लांट का कंसेप्ट होना चाहिए आपके पास, एनिमल्स के बारे में चूंकि स्टडी करते हैं तो एनिमल्स का थोड़ा सा कंसेप्ट होना चाहिए, माइक्रोबायोलॉजी क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो एग्जिस्ट करते हैं आपके फंजाई के फॉर्म में, बैक्टीरिया के फॉर्म में, वायरस के फॉर्म में या दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के फॉर्म में, इसलिए हमें माइक्रोबायोलॉजी का भी स्टडी करना है। तो इसी तरह से कंप्यूटर साइंस या बायोटेक्नोलॉजी जो एक इमर्जिंग सब्जेक्ट बन रहा है आजकल, जो बायो इन्फॉर्मेशन जो भी है कंप्यूटर साइंस, एनवायरमेंटल लॉस वगैरह, क्योंकि जब भी हम कोई कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं तो या तो हम मॉरली उसको अडॉप्ट करते हैं, अगर मॉरली हम अडॉप्ट नहीं करते हैं तो उसको एनफोर्स किया जाता है और एनफोर्स करने के लिए हमारे पास लॉस जरूरी है, इसलिए एनवायरमेंटल लॉस के थ्रू हम कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस को इम्प्लीमेंट करते हैं। जैसे हमारे पास एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 हमारे पास है, एयर पोल्यूशन प्रिवेंशन एक्ट 1981 है, इसी तरह वाटर पोल्यूशन प्रिवेंशन एक्ट 1974 है हमारे पास, इसलिए हमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स, इकोनॉमिक्स की बात करते हैं भाई, एक प्रोजेक्ट अगर स्टार्ट करते हैं तो उसका कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस क्या रहेगा, कितना इनपुट लगाएंगे, एनवायरमेंट का कितना डैमेज होने जा रहा है, ज्यादा डैमेज है या इनपुट उसमें आउटपुट उसमें ज्यादा आ रहा है, उन सारी चीजों के बारे में स्टडी करते हैं। तो इसलिए हमें सारे सब्जेक्ट्स के बारे में थोड़ा सा इन टच रहना होता है, इसलिए हमने इस सब्जेक्ट को क्या कहा, मल्टीडिसिप्लिनरी कहा। मल्टीडिसिप्लिनरी का मतलब वी आर सपोज टू स्टडी और गो थ्रू डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट्स इन एनवायरमेंटल साइंस इज मल्टीडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट। अब कलेक्चुअली मैं रिकैपिटुलेट करना चाहूंगा यहाँ पे आप लोगों को, हमने आज जो स्टडी की वो हमने क्या कहा, हमने कहा एनवायरमेंट क्या होता है और उसके दो कंपोनेंट्स हमने देखे हैं, एनवायरमेंट की हमने बात की, एनवायरमेंट में हमने दो कंपोनेंट्स देखे हैं, एक तो बायोटिक कंपोनेंट आप लोगों ने देखा, बायोटिक कंपोनेंट भाई क्या है, बायोटिक कंपोनेंट में, बायोटिक कंपोनेंट में आपने प्लांट देखा भाई, आपने एनिमल देखा, आपने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स देखा इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग। अबायोटिक कंपोनेंट दूसरा जो कंपोनेंट हमारे एनवायरमेंट का है, उसमें भाई क्या है हमारे पास, एक कंपोनेंट हमारे पास एटमोस्फेरिक कंपोनेंट, एटमोस्फेरिक कंपोनेंट है, दूसरा हमारे पास हाइड्रो
स्फेरिक कंपोनेंट है, तीसरा जो कंपोनेंट हमारे पास है उसको हम लिथोस्फेरिक कंपोनेंट कहते हैं। इसमें हमारा एयर वाला पोर्शन आता है, इसमें हमारा वाटर वाला पोर्शन आता है, और इसमें हमारे पास लैंड वाला जो कंपोनेंट है वो आ जाता है। तो रिकैप्चुलेट करना चाहूंगा, एनवायरमेंट की अगर हम बात करते हैं, एनवायरमेंट हमने कहा समेशन ऑफ ऑल कंडीशंस एग्जिस्टिंग इन ए पर्टिकुलर एरिया सराउंडिंग एन इंडिविजुअल एंड इन्फ्लुएंसेस द एक्टिविटी ऑफ दैट इंडिविजुअल इज सिंपली नोन एज एनवायरमेंट। एंड एनवायरमेंट हैज टू डिफरेंट कंपोनेंट्स, वन इज अबायोटिक विच इंक्लूड्स प्लांट्स एनिमल एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एंड अनदर वन इज अबायोटिक कंपोनेंट विच इंक्लूड्स एटमोस्फेरिक कंपोनेंट, हाइड्रोस्फेरिक कंपोनेंट एंड लिथोस्फेरिक कंपोनेंट। होप आपको कोई मुश्किल हो तो आप कॉन्टेक्ट करेंगे, आपको कंसेप्चुलाइज किया जाएगा। थैंक यू, थैंक यू। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर सीरीज में कंटिन्यू रखेंगे इंशाल्लाह। वस्सलाम।